चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं लॉर्ड वेरिंग। अभी लॉर्ड वेरिंग वॉल और लॉर्ड पार्टीशन वॉल के बाद हमने बताया था लॉर्ड वेरिंग स्ट्रक्चर देखना है। लॉर्ड वेरिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, उसका फिगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। होप सो आपने फिगर देख लिया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, मतलब बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आप फिगर में आप देखे होंगे या दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, जिसमें देखिए कॉलम भी दिया गया है, यानी कि पिलर जो दिया गया वो भी पूरा दिया गया है ईटे से। उसका दीवार देखिए कितना मोटा मोटा है, वो मतलब ऊपर का जितना भी लोड है वो उसी उन्हीं सब पे आ रहा होगा, इसलिए उस वॉल को लोड बेयरिंग वॉल बोला जाता है। और नीचे भी वो वॉल वैसे के वैसे नीचे चला जाता है। देखिए, इट इज ए स्ट्रक्चरल सिस्टम, मतलब एक बनावट का सिस्टम है। किसका? ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का बनावट का एक सिस्टम है जो कि कंसिस्ट करता है, यानी कि अपने आप अपने पास रखता है किसको? फ्लोर को, स्लैब को, बीम को, विथ ए लोड बेयरिंग वॉल। इन सब चीजों को रखता है किसके साथ? लोड बेयरिंग वॉल को, यानी कि जो लोड बेयरिंग वॉल होता है वो इन सब चीजों से मिलकर बनाया होता है, समझिए। तो फिर क्या, बिल्डिंग अप टू थ्री फ्लोर, तीन फ्लोर तक जनरली ये जा सकता है, कैन गो। तीन फ्लोर तक लोड बेयरिंग वॉल, लोड बेयरिंग वॉल के सहायता से हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को तीन फ्लोर तक बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बना सकते, उससे ज्यादा बनाएंगे तो नीचे धंसने लगेगा। द थिकनेस ऑफ वॉल एट अपर फ्लोर, मतलब जो भी मोटाई होती है थिकनेस, वो अपर फ्लोर यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ते हुए वो कम होती जाती है, लेस कंपेयर टू, मतलब तुलना करने पे, कंपेयर टू लोअर फ्लोर, नीचे के फ्लोरों के तुलना में। रिजल्ट क्या होता है उससे? कार्पेट एरिया यानी कि दरी बिछाने, दरी बिछाने का जगह, या रहने का जगह बोल सकते हैं, कारपेट एरिया। अब जैसे कि देखिए, नीचे वाले फ्लोर में दीवार मोटा होगा तो एक रूम में स्पेस कम बचेगा, लेकिन वही दीवार ऊपर जाके पतला होगा तो स्पेस ज्यादा ना होगा, तो उसी को बोलते हैं कारपेट एरिया। कारपेट एरिया इज अवेलेबल, अच्छा से उपलब्ध हो जाएगा एट द अपर लेवल, अपर फ्लोर पे वो अच्छा से उपलब्ध हो जाएगा। किसके कारण? नीचे दीवार मोटा होता है, ऊपर जाके दीवार पतला होता है, उसके कारण कारपेट एरिया हमको ज्यादा मिलेगा। और हमको कितना? तो तीन फ्लोर से ज्यादा ऊपर नहीं जाना। किसमें? तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या है? तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फ्लोर और स्लैब, बीम और लोड बेयरिंग वॉल के साथ उपलब्ध होता है। इन दिस स्ट्रक्चरल सिस्टम, इस प्रकार के बनावट सिस्टम में वेट ऑफ बिल्डिंग, जो भी वेट होता है, वेट ऑफ बिल्डिंग या डेड लोड इसी को बताया था मैंने, प्लस लाइव लोड, जो भी लाइव होता है, गेट ट्रांसफर्ड, मतलब वो नीचे दे दिया जाता है किसके, ग्राउंड ग्राउंड को, और उसको ट्रांसफर करने में किसके द्वारा, किसका मदद लिया जाता है? लोड बेयरिंग वॉल के द्वारा। किसका? बिल्डिंग का सेल्फ वेट और लाइव लोड जो भी उस पर लगेगा वो सॉइल में ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? तो लोड बेयरिंग वॉल के द्वारा किया जाता है। वॉल्स बियर लोड, रूफ जो भी होता है वॉल्स, वो किसका बियर यानी किस किस का लोड सहता है या अपने ऊपर लेता है? किसका? तो रूफ का, छत का, फ्लोर का। छत और फ्लोर में अंतर होता है। देखिए, छत हो गया जो उसके ऊपर कुछ नहीं बना हुआ, ठीक, और फ्लोर हो गया कि उसके ऊपर कुछ बना हुआ है, फ्लोर का। एंड ऑल्सो सेल्फ वेट, यानी कि जो भी सेल्फ वेट होगा वो। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें देखिए लोड किस प्रकार फ्लो करता है, उसका पाथ क्या क्या होता है। पहले तो स्लैब में हम जो भी लोड लगा रहे हैं वो होगा, स्लैब से वो कहाँ जाएगा? तो जाएगा वॉल में। वॉल से फिर वो कहाँ जाएगा? तो वॉल से जाएगा फाउंडेशन में। फाउंडेशन क्योंकि वॉल से जुड़ा हुआ रहता है, अभी आप मैंने बताया कि लोड बेयरिंग वॉल जो भी होता है वो फाउंडेशन से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि जो भी यहाँ पे हम दीवार बना रहे हैं वो नीचे जाके ये फाउंडेशन है उससे जुड़ा हुआ रहेगा। रुकिए, तो नहीं दिख रहा है, रुकिए। यहाँ पे हाँ, देखिए जो भी हम दीवार बनाए हैं ऐसे, वो नीचे जाके फाउंडेशन से इसे जुड़ा हुआ रहेगा, वही जाके मोटा होते जाएगा, ठीक, और फ्लोर दर फ्लोर पतला होते जाएगा ऊपर दीवार, यानी कि मान के चले यहाँ पर एक फ्लोर खत्म होता है तो हम उसके ऊपर यहाँ से पतला करते जाएंगे, ठीक, तो वही मोटा रहता है नीचे, तो वही मतलब वॉल से ही जुड़ा हुआ रहता है। उसका जो फाउंडेशन हम देते हैं इस बिल्डिंग में, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का बिल्डिंग जो होता है वो वॉल से यानी कि दीवार के ऊपर ही ना टिका रहता है पूरा चीज, वो कितना लोड ले रहा है और कितना ट्रांसफर कर रहा है उसी पर निर्भर करता है। तो इसलिए वॉल के बाद सीधे फाउंडेशन में आ जाता है, स्लैब से सीधे वॉल में आता है लोड। बीम और पिलर का इसमें कोई जगह ही नहीं रहता, क्योंकि वो भी बने हुए थे किसके? ईटे के ही, तो उससे सीधे वॉल में आ जाता है।
यही था लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, इतना आप उतारिए। उसके बाद देखते हैं आप फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर, उसका भी फिगर हम यहीं साइड में लगा देंगे जिससे इसका फिगर लगा हुआ था अभी।